इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीसीबी छात्रावास में बम विस्फोट से दो पूर्व छात्र घायल हुए हैं। धमाके में प्रभात यादव नाम के पूर्व छात्र के हाथ का पंजा उड़ा है, जबकि उसका साथी पीयूष सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रभात यादव को इलाज के लिए स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पीयूष सिंह घायल अवस्था में मोबाइल बंद कर फरार हो गया है। पता चला है कि वह किसी निजी नर्सिंग होम में इलाज करवा रहा है। तो मैं मौके पे ही बैंक रूम में मौजूद था और जैसे ही आया तो पता चला कि वो दोनों छात्र हॉस्पिटल को जा चुके हैं। असल में ये पूरा मामला कमरा नंबर 68 का है। कमरा नंबर 68 छात्रावास के ही दो अंतेवासी हैं, विशाल कुमार और आयुष कुमार सिंह। दोनों वैध छात्र हैं, उनके नाम से ये कमरा आवंटित है। आयुष कुमार सिंह विगत 1.5 महीने से उसके बहन की शादी ही थी, जिसकी वजह से वो घर रह रहा था। इसी बीच में प्रभात मौका पा करके और छात्रावास में प्रवेश कर गया। और कल जब ये बम के धमाके की आवाज़ सुनाई दी तो मौके पे जिला प्रशासन ने दल बल के साथ मौजूद था, इत्तेफाक से मैं भी मौजूद रहा। तो जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि ये सारा काम बम का है और ये लोग बम बना रहे थे और बम जो है उनके हाथ में ही विस्फोट कर गया है। और आगे क्या कार्रवाई होगी इसका? आगे हमने थाने में भी तहरीर दे दी है प्रथम प्राथमिकी रिपोर्ट के लिए। और चूंकि ये दोनों हमारे छात्रावास से पास आउट हो चुके बच्चे हैं, प्रभात कुमार यादव और प्रत्युत कुमार सिंह, और विश्वविद्यालय प्रशासन भी अपने तरीके से कार्यवाही कर रहा है। अपना पर्चा दे दे। मैं डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, अधीक्षक सर प्रमदा चरण बनर्जी छात्रावास। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।